नमस्कार, मैं हूं देवांजनी मोइत्रा। लोकसभा चुनाव से लेकर संसद में शपथ ग्रहण तक हर जगह जय श्री राम का नारा गूंजा और एक मुद्दा भी रहा, खासकर बंगाल में। कई बार ऐसा मौका आया कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चिढ़ाने के लिए उनके काफिले के सामने जय श्री राम का नारा लगाया, जिसको सुनकर ममता बनर्जी तिलमिला गई, गाड़ी से उतरकर जय श्री राम का नारा लगाने वाले कार्यकर्ताओं को धमकी दी और कहा कि अगर फिर दोबारा नारा लगाए तो जेल भी जा सकते हैं। अब जय श्री राम को लेकर बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं और दोनों के अपने तर्क हैं। एक बंगाली अस्मिता की बात करता है तो एक हिंदुत्व की बात करता है। अब इस विवाद में एक और नया नाम जुड़ गया है, नाम है नोबेल प्राइज विजेता अमर्त्य सेन का। सेन ने कहा है कि माँ दुर्गा के जयकारे की तरह जय श्री राम का नारा बंगाली संस्कृति से नहीं जुड़ा है और इसका इस्तेमाल लोगों को पीटने के लिए किया जाता है। सेन ने आगे कहा कि माँ दुर्गा बंगालियों के जीवन में सर्वव्याप्त है, माँ दुर्गा हमारी जिंदगी में मौजूद है। सेन यही नहीं रुके और जाधवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के सामने एक उदाहरण देकर समझाया कि बंगालियों के लिए जय श्री राम का कोई मतलब नहीं। सेन ने कहा कि मैंने अपनी 4 साल की पोती से पूछा कि उसके पसंदीदा भगवान कौन है, उसने जवाब दिया माँ दुर्गा, माँ दुर्गा हमारी जिंदगी में मौजूद है। यहाँ पर एक बात बताते चले कि अमर्त्य सेन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश के कई राज्यों में जय श्री राम नारे की आड़ में भीड़ द्वारा मुस्लिम लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया है। वही बंगाल में जय श्री राम बनाम जय माँ दुर्गा को लेकर नेता आपस में लड़ाई कर रहे हैं और बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है। वही ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता को जोड़कर जय माँ दुर्गा का नारा दे रही है। अमर्त्य सेन का ये बयान भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाता है, क्योंकि पुराने दिनों में सेन भी बीजेपी और पीएम मोदी के कटु आलोचक रहे। अर्थव्यवस्था को लेकर सेन गाहे बगाहे मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। अब लगता है कि जय श्री राम और जय माँ दुर्गा विधानसभा के चुनाव तक काफी चर्चा में रहेगा। इसको लेकर बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेलेगी और ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता का। पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि जनता को ना तो जय श्री राम से दिक्कत है और ना ही जय माँ दुर्गा से, लेकिन सियासतदान ने वोट की खातिर भगवान को राजनीति में खींचकर अखाड़े में तब्दील कर दिया है और भगवान को भी बांट दिया है। आने वाले 5 वर्ष में $5 ट्रिलियन की विकास यात्रा में अहम हिस्सेदारी होगी, हमारे किसान भाइयों बहनों की, खेती की, गांव की। आज देश खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर है, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ देश के किसानों का पसीना है, सतत परिश्रम है। अब हम किसान को पोषक से आगे निर्यातक यानी एक्सपोर्टर के रूप में देख रहे हैं। अन्न हो, दूध हो, फल सब्जी शहद या ऑर्गेनिक उत्पाद, ये हमारे पास निर्यात की भरपूर क्षमता है और इसलिए बजट में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए माहौल बनाने पर बल दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग से लेकर मार्केटिंग तक का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर निवेश बढ़ाया गया है। इसी सोच के साथ यहां आप सबको मालूम है राजा तालाब और गाजीपुर घाट में जो पेरिशेबल कार्गो का निर्माण किया गया है उसके नतीजे दिखाई देने लगे हैं। आप लोग ये जानकर खुशी होगी कि अब तक यहां से फल सब्जियों के 11 शिपमेंट विदेश भेजे गए हैं, यानी एक शुरुआत हुई है और उसका सीधा लाभ यहां के किसानों को हुआ है। यहां जो प्याज और केला होता है उसे ले जाने के लिए स्पेशल रेल कंटेनरों की व्यवस्था भी की गई है। अब हमारा प्रयास है कि यहां एक क्लस्टर विकसित किया जाए जिसमें सरकार के अलग अलग विभाग मिलकर एक्सपोर्ट को आसान बनाने के लिए सारी सुविधाओं का निर्माण करें। यहां जो
बनास डेयरी की शुरुआत हमारे यहां की गई है, वो भी आज 6000 किसानों से 11000 लीटर से ज्यादा लीटर दूध इकट्ठा कर रही है। ये तो शुरुआत है। पहले बहुत से किसानों को कम कीमत पर दूध बेचना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें भी इस डेयरी का लाभ मिल रहा है, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। भाई और बहनों, किसान जो कुछ भी उगाता है उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको दुनिया के बाजारों में निर्यात करने के लिए निर्यात नीति भी हम बना चुके हैं। किसानों को अतिरिक्त आय हो इसके लिए भी तमाम फैसले लिए गए हैं। अन्नदाता को ऊर्जादाता के रूप में तैयार करना इसी रणनीति का हिस्सा है। खेत में ही सौर ऊर्जा प्लांट, सोलर एनर्जी प्लांट लगाने से किसान को अपने उपयोग के लिए बिजली तो मुफ्त मिलेगी ही, अतिरिक्त बिजली वो बेच भी सकेगा। इससे सिंचाई की लागत कम होगी और बिजली बेचने से किसान को अतिरिक्त आय भी होगी। भाई और बहनों, कल आपने बजट में और उसके बाद टीवी पर चर्चाओं में और आज अखबारों में एक बात पढ़ी, सुनी, देखी होगी। एक शब्द गूंज रहा है चारों तरफ, हर कोई बोलना शुरू किया है, देखते ही देखते कानों कानों बात पहुंचने लगी है। और वो क्या है? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। आखिर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का मतलब क्या है? एक आम भारतीय जिंदगी का, हर एक भारतवासी का इससे क्या लेना देना है? ये आपके लिए, सबके लिए जानना भी और जानकर के घर घर जाकर के बताना भी बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग हैं जो हम भारतीयों के सामर्थ्य पर शक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के लिए ये लक्ष्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। आपने सुना होगा, कल से चर्चा चल रही है। साथियों, जब ऐसी बातें सुनता हूं तो काशी के इस बेटे के मन में कुछ अलग ही भाव जगते हैं। आशा निराशा में उलझे लोगों तक मैं अपने मन के भाव पहुंचाना चाहता हूं। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा,
इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है। गरीब अमीर, बने नए हिंद की भुजाएं, बदलते भारत की यही तो पुकार है। देश पहले भी चला, और आगे भी बढ़ा। अब न्यू इंडिया दौड़ने को बेताब है। दौड़ना ही तो न्यू इंडिया का सरोकार है। तो साथियों, बात होगी हौसले की, नई संभावनाओं की, विकास के यज्ञ की, मां भारती की सेवा की और न्यू इंडिया के सपने की। ये सपने बहुत हद तक जुड़े हुए हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य से।